physics class in like 4 years. There is some power which like body pump, like body. Okay, you're making fun. तो आज ना संडे, मैं रोज तुम लोगों को पढ़ाता हूँ और तुम लोग पढ़ते हो। आज ना हम पढ़ाई नहीं करने वाले भाई, संडे को ब्रेक लेना होता है। आज मैं कुछ करने वाला हूँ, कुछ मजे करने वाले हम लोग। और तुम्हें तो पता है भाई, मेरा मजे करने का तरीका भी फिजिक्स है। तो आज मैं जाके ना नॉर्मल सड़क पे लोगों को पकड़ूंगा फिजिक्स की कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें जो लगभग बहुत आसान है, फिर भी लोगों को नहीं पता होती। जैसे कि भाई मून गिरता क्यों नहीं है, पेड़ के पास मास कहाँ से आता है, खाना तो वो खाता नहीं है, या फिर सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फ्लोट कैसे करते हैं। तो भाई चलो चलते हैं, कुछ लोगों को पकड़ते हैं और मजे करते हैं। मतलब हमें बचपन से देखते ना भाई, आसमान में हमको मून दिखता है, तो यही बताना कि मून गिरता क्यों नहीं अर्थ में। जैसे बाकी सारी चीजें गिर जाती है ना, जैसे माइक को छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, तो मून क्यों नहीं गिर रहा अर्थ के ऊपर? अब तो बताना पड़ेगा, वो तो वीर वर्किंग कराई ट्रेनिंग के बाद हम इनसे पूछेंगे। Moon is between the earth and the sun, so their gravitational forces are cancelling out. Is that so? No, because the sun, it's not always between the earth. Yeah, that's us. So why doesn't it fall? It's true. It doesn't fall because I know it has its own mass, and I know that it's like in the orbit around the earth. It's like how satellites don't fall. They're like... Exactly. The same stuff. But yeah. This mic also has its own mass, right? But it's not in the centrifugal force of the earth. Okay, so you now you're using the technical terms like centrifugal force. Oh, can you explain it? I've been taking a physics class in like 4 years. अर्थ के चारों जो सैटेलाइट है ना, जो सैटेलाइट हमने बताया डाल रखे हैं, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो वो फ्लोट करते हैं उसमें ना, उड़ रहे होते हैं हवा में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ग्रेविटेशन फोर्स, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है एक्चुअली वहाँ भी जाके खत्म हो जाती है, निश्चित दूरी पे जाता है। अच्छा, और अर्थ मून की जो है, अदर प्लेनेट की, वो भी वहाँ पर जाकर बैलेंस हो जाती है, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स में एंट्री करेंगे तो अपनी तरफ वो खींचेगा। ठीक है, और उसी तरफ आएगा तो अपनी तरफ वो खींचेगा, तो दोनों फोर्स एक जगह पर बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो उस बैलेंस के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट उस पर नहीं होती है। अच्छा, ना ही फ्रिक्शन फोर्स, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स के साथ जो अंगल जी, पर एक चीज बताऊं कि अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, वो मून तक लगती है, वो खत्म नहीं होती। जितना अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पर है ना, अगर आप मून पर जाओगे ना, तब भी अर्थ की ग्रेविटी अच्छी खास की, वो खत्म नहीं होती, बैलेंस होता है। ये ग्रेविटी बैलेंस में ही चलता है। कौन बैलेंस करेगा ग्रेविटी को? बैलेंस हो जाती है। किससे? कैसे? नहीं, वहाँ तक नहीं। चलिए ठीक है अंकल जी। हाय गाइस, व्हाट्स योर नेम? आई एम टिनले। समीक्षा। ओके गाइस, सो द क्वेश्चन फॉर यू गाइस टुडे इज, हाउ डू ट्रीज ग्रो, लाइक वेयर डू ट्रीज गेट देयर मासेस फ्रॉम? जैसे ये पेड़ ये कैसे बना है, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? बायो क्वेश्चन है। नो, दिस इज नॉट अ बायो क्वेश्चन। Yeah, I think it's a biology question. Is it? Plants. Is it? That is a biology question. Okay, yeah. क्योंकि वुड है, वुड के पास हाँ, तो वुड कहाँ से आती है? जब डालते तब तो एक सीड होता है ना छोटा सा। हाँ हाँ, फिर कहाँ से आता है? I don't know. Like cell division. Oh my god, she knows biology as well, right? But we humans eat food, right? And we grow, we get the mass. But they also get the nutrients. Yeah, water. Yeah, water. Soil and minerals and the sun. Okay, so what do you think? What do you think? Like how did it? I think
How did it grow? Like, how did this tree grow? It grew because of the soil that it is in and the rains that it gets, and so it grows and flowers. And even the decomposed stuff, shit and all. Yeah. Animal dung. So these are the factors. I don't know what the main constituents are. Even I don't know the right answer. He knows. You're a physics person. Yes. Come on. Water. H2O. पर बताएं H2 से मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें, पर पेड़ तो कार्बन का बना हुआ है. तुम H2O डाल रहे हो, उसका कार्बन है पर पेड़ तो कार्बन का है. तो पानी से है पर कम्प्लीटली सही नहीं है ये. इतना पता नहीं है. अच्छा. हमारे पर पैदा होते हैं तो हम भी तो इतने सही होते हैं. हाँ. इतने कैसे लोग? हम तो खाना खा रहे हैं ना. हम तो खाना खा रहे हैं. उसको मिल रहा है खाना. कौन सा खाना? जमीन से मिल रहा है, जन्म मिल रहा है. अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो जमीन से मिट्टी से निकाल रहा है कुछ? बिल्कुल. उसका वजह मेरे सवाल का जवाब. We're getting essential things like water, sunlight, and all. How? Ask them for water. Yeah, and the sunlight, but sun rays cannot be converted into mass, right? It gives energy but not mass. Okay. Okay, so that's actually everyone used to think, right? We water the rays and they get their nutrients from the soil. But there was an experiment conducted, it was found that this is not true. Magic, that's right. God is what. Isn't it amazing? Like, I mean, air is the food for the trees. Okay, nice meeting, guys. Christina and Mary. So, it's like, you know, like, we give oxygen and carbon dioxide. And what happens is that CO2 takes oxygen and breaks it, right? So, trees are mostly made up of carbon, right? So, what happens is CO2 takes O2 and leaves it. What happens after that? Carbon, right? So, that's where it is. So, these are actually made up of air. होमवर्क मिल गया टीचर को. मेरे को यार पता है, पेड़ का खाना भर है और कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस. दोबारा बता दो. वो CO2 लेता है. CO2 लेता है, O2 छोड़ता है. O2 छोड़ता है और कार्बन अपने पास रख लेता है. अच्छा, वो CO2 छोड़ देता है, कार्बन अपने पास रख लेता है.